वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद शांता कुमार ने गद्दी समुदाय को राजनीति में पहचान दिलाई है, जबकि कांग्रेस ने मजबूरी में ठाकुर सिंह भरमौरी को वर्ष 2012 में मंत्री बनाया था। भरमौरी के अलावा कांग्रेस आज तक गद्दी समुदाय के लिए किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाई है। ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कपूर ने गद्दी समुदाय का हितैषी बनने का ढोंग रच रही कांग्रेस पर सवाल किया कि वर्ष 1982 से चुनाव जीतने वाले भरमौर से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सिंह भरमौरी को वर्ष 2012 तक मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में भाजपा सरकार में भरमौर से भाजपा विधायक पंडित तुलसीराम को प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, तो मजबूरी में कांग्रेस को वर्ष 2012 में भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी को मंत्री बनाना पड़ा था। कपूर ने कहा कि समुदाय और जातियों को बांटने के षड्यंत्र हमेशा कांग्रेस पार्टी रचती रही है, जबकि गद्दी गुज्जर समुदाय को जनजातीय का दर्जा शांता कुमार की बदौलत मिला है। कपूर ने कहा कि भाजपा ने कई गद्दी समुदाय के कई कार्यकर्ताओं को टिकट देकर राजनीति में आगे लाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस ने ठाकुर सिंह भरमौरी के अलावा किसी अन्य गद्दी समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा द्वारा शांता कुमार पर प्रदेश को बांटने के आरोप लगाने पर टिप्पणी करते हुए कपूर ने कहा कि चुनावी बेला में समुदाय आधारित राजनीति करना कांग्रेस की आदत हो गई है। कपूर ने कहा कि चुनावी बेला में कांग्रेस पूरे देश में चुनावी मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रही है। देश की जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अब घटिया राजनीति कर रही है। कपूर ने कहा कि भाजपा ने ही गद्दी समुदाय को शक्ति की पहचान दिलवाई है तथा इस समुदाय को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व भी दिलवाया है। प्रदेश के गद्दी व गुज्जर समुदाय के लोग भी जानते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस के हर षड्यंत्र को देश की जनता जान चुकी है तथा लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, परसों ही कांग्रेस के जो प्रदेश के महासचिव हैं, महासचिव रजनीश खिमटा है, उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि शांता कुमार जी प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर घटिया बयानबाजी के लिए देश में जानी जाने लगी है, चाहे हमारे देश के नेतृत्व के खिलाफ उनके बयान हों। उनका स्तर जितना नीचे जा सकता था, हमें भी राजनीति में बहुत वर्ष हो गए, पर इतना घटिया राजनीतिक स्तर बयानबाजी का हमने आज तक नहीं देखा, जो कांग्रेस का नेताओं का अब है। और उन्होंने शांता जी को कहा कि इससे प्रदेश बढ़ जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जानता है, समुदाय में बांटने का काम 1984 में जब सिख विरोधी दंगे हुए, उसको भड़काने वाला कौन था? आज कांग्रेस का कौन बड़ा लीडर जो जेल में किस लाखों के अंदर है? सिख और हिंदुओं को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया। कश्मीर में आतंकवाद किसकी छत्रछाया में पलता रहा? कौन इस देश का नेतृत्व कर रहे थे? हिमाचल प्रदेश, उपले और निचले हिमाचल में बांटने का काम किसने किया? और गद्दी समुदाय में भरमौर और बाकी हिमाचल के गद्दियों को बांटने का काम कौन करता रहा? कांग्रेस पार्टी करती है। भरमौर के गद्दी तो ट्राइबल, पर अन्य क्षेत्रों में जो हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में गद्दी रहते थे उनको ट्राइबल नहीं किया गया। एक परिवार में भी बांटने का काम, ताकि वोट की राजनीति, हमारा राजनीतिक स्वार्थ जो है वो सिद्ध होता रहे। गद्दी ही नहीं, गुजरों को भी हम धन्यवादी हैं, आदरणीय श्री शांता कुमार जी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने जब वो केंद्र में मंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे,
गद्दियों को जनजातीय का दर्जा दिलाया और उसमें संसद में अमेंडमेंट करवाई और गद्दी और गुजरों को जनजातीय का दर्जा जो बाकी हिमाचल में रह गए थे उनको दिलाया, उनको न्याय दिलाया जो कांग्रेस अन्याय करती आ रही थी इन समुदाय के। हम उसके साथ साथ शांता कुमार जी के और भी धन्यवादी हैं जिन्होंने गद्दियों की राजनीतिक पहचान बनाई। 1977 में मेजर बिजलाल जी को धर्मशाला का टिकट देकर जनता पार्टी का और उसके बाद 1982 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। 1985 में धर्मशाला से किशन कपूर, बैजनाथ से श्री दुलोराम जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाया। 1993 में पंडित ब्रिजलाल जी को बटियात का टिकट दिलवाया गद्दी समुदाय से। 2008 में श्री विक्रम जरियाल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट। एक ही समुदाय जो बहुसंख्यक है जहां भरमौर में, वहां से तुलसीराम, और 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने, मैं हम धन्यवादी हैं कि प्रदेश की विधानसभा का स्पीकर गद्दी समुदाय से संबंधित पंडित तुलसीराम जी को बनाया। 1998 में गद्दी समुदाय का पहला मंत्रिमंडल में मंत्री साहब ने किया गया, कैबिनेट मिनिस्टर किशन कपूर को किया गया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, खिमटा जी आप अपने बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, 1982 में ठाकुर सिंह भरमौरी विधायक बन गए थे भरमौर के, 1982 से लेकर 2012 तक उनको क्यों नहीं मंत्रिमंडल में जगह दी गई? तब जगह दी गई जब पंडित तुलसीराम 2008 में से लेकर 12 तक स्पीकर रहे, तब मजबूरी में उनको मिला है। बांटने का काम कौन करता है? जरा आईने में मुंह देखो अपना, तब पता चल।